सत्याव्यास का इतना विस्तृत परिचय है कि पर अच्छी चीज़ ये है कि जैसे हिंदुस्तान की सभ्यता की धुरी बनारस है वैसे ही सत्या की भी एक धुरी बनारस है तो बनारसी बाबू सत्याव्यास बताएंगे अपनी ज़िंदगी किस्सा स और श गलती माफ़ करेंगे आप लोग वो जिस जगह से हो जाता है दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ के महाटसा भी जो थे ना वो पढ़ाते थे तालाव्य श मूर्धन्य दंत्य श मुश्किल है बनारस पे मैंने किताब लिखी है लेकिन मेरा वाक़ जो है वो बनारस का नहीं है लखनऊ का है उन्नीस की बात होगी करीब फिल्म आई थी मुझे ध्यान है बहुत अच्छी तरह से नेहा थी उसमें सॉरी नेहा ही हाँ नेहा थी, नहा थी।, नहा थी। तो छोटे शहरों के फादर कैसे होते हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे फादर भी वैसे ही थे लखनऊ एडमिशन लेने आया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में Uh, बैठा था और uh, दो एक कॉलेजेस हैं आप लोग शायद बेहतर जानते होंगे कि महाराणा प्रताप कॉलेज है एक लखनऊ यूनिवर्सिटी है दोनों का फॉर्म डाल दिया था uh, फ़ादर को फ़ोन किया उन्होंने पूछा कि आप पे ख़र्च कितना आ रहा है तो मैंने बताया कि मुझ पर जो है ट्यूशन वगैरह मिला के पाँच हज़ार रुपये का खर्च है उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है मैं आता हूँ और वो चले आए लखनऊ एडमिशन वगैरह का फॉर्म मैंने डाल दिया था अब बस रहना शुरू करना था हजरतगंज हजरतगंज पे खड़ा था और मेरी बदकिस्मती थी कि उस दिन बस की हड़ताल थी मैं खड़ा था मेरे फादर खड़े थे और छोटे शहरों के फादर बच्चों से थोड़े दूर ही खड़े रहते हैं खड़े थे अचानक क्या हुआ मेरी बदकिस्मती आ गई स्कूटी से खड़ी हो गई <laughs> <laughs> बदकिस्मती मैं बता बद रहा हूँ उसने देखा और कहा कि सॉरी स्कूटी थी, थी। उसपे उस 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 अरे, अरे मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, <laughs> नहीं है भाई एनी वेज विषांतर हो गया तो आ, मैं खड़ा था गाड़ी रुकी उसने कहा कि वन लिफ्ट मैं उसे देख रहा था फिर अपने फादर को देखा फादर ने मुंह उधर कर लिया वो चुप हो गई उन्होंने कहाँ जाना है मैंने कहा सीतापुर जानकीपुरम उन्होंने कहा सीतापुर इंजीनियरिंग कॉलेज मैं भी जा रही हूँ बैठ जाओ मैंने कुछ नहीं कहा फादर फिर उधर देखने लगे उसके बाद उसने कहा कि मैं जा रही हूँ छोड़ दूँगी मैंने कहा मेरे फादर भी उस मेरे साथ हैं अब उसने देखा कि वो फादर इतनी दूर कैसे खड़ा रहेगा ठीक है वो वो समझ गई ये झूठ बोल रहा है गाड़ी स्टार्ट की और कहा कि लड़कियों से बात करना सीखो चली गई सौरभ बदकिस्मती ये थी कि मेरे फादर ने कहा कि बेटे मेरी तीन बेटियां हैं मुझे उनकी शादी करनी है मैं आप पे पाँच हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकता महीने के तो ये है शायद मेरे जीवन की सॉरी।